Hello, good evening students. Today in 11th class physics, we are continuing with some more problems on laws of motion. Laws of motion mein aaj ka jo pehla question hai, that also is based on the concept of free body diagram. Suppose ye koi table hai and table par yahan kahin par ek block hai and this block is connected to This block is connected to two more blocks with the help of a thread passing over a pulley. डायग्राम ले लेना बच्चों साथ में. And here on the right side you are having a 10 kg mass and यहां कितना, यहां अभी 5 kg ले लो. Suppose this is 5 kg और इसको अभी हम लोग क्या ले ले रहे हैं, suppose इसको 15 kg ले ले रहे हैं. This is the type of diagram. अब इसमें problem में कहा है find the acceleration of the system, find the acceleration of the system and टेंशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स. ये क्वेश्चन है बच्चों. अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट सेपरेटली. फ्री बॉडी डायग्राम एज वी हैव सजेस्टेड इन प्रीवियस लेक्चर्स आर डायग्राम्स विच आर ड्रॉन बाय आइसोलेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. आप ऑब्जेक्ट को उसकी सराउंडिंग्स से आइसोलेट कर दो और इंटरक्टिव जो फोर्सेज है, इंटरक्शन के कारण जो फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज को मार्क कर दो. अब इसका मतलब क्या है, ये अभी हम आपको डायग्राम्स में भी एक्सप्लेन करते जाएंगे. सपोज दिस ब्लॉक इज नेम्ड एज ए, दिस ब्लॉक इज नेम्ड एज बी एंड दिस इज नेम्ड एज सी. द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज दैट यू हैव टू लुक फॉर इट वेदर दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और इज दिस एक्सेलरेटिंग, है ना. तो ये काम तो प्रॉब्लम ने ही आसान कर दिया कि इन्होंने कह दिया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, मतलब अभी हम लोग इसमें ये कह सकते हैं दैट दिस इज हैविंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस. इसमें बच्चों कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन है. और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में देखकर बता सकते हैं, इसमें इफ यू जस्ट ट्राई टू सी दी मासेस, ये तीनों जो मासेस कनेक्टेड हैं इनको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ऑन द राइट साइड यू आर हैविंग हाउ मच, 10 केजी मास. On the left side you are having 5 kg mass. And if the masses on both the sides were equal, अगर ये masses बच्चों दोनों तरफ equal होते, इस तरफ भी अगर 5 kg होता, इस तरफ भी 5 kg होता, then the system would not have accelerated, है ना. So here we say that here is a 15 kg mass and on this side you are suspending a 10 kg mass and on this side you are suspending what, a 5 kg. Obviously this will be having more effect. ये इसको ज्यादा force से नीचे की तरफ pull करेगा, क्योंकि अभी हम लोग ये कहते हैं कि हर object के ऊपर एक force काम करता है which is termed as the weight of the object, है ना. तो इसका जो weight है नीचे की तरफ, इसका भी weight नीचे की तरफ, but since this is larger तो इसका weight नीचे की तरफ आएगा. And since the mass on the right side is greater, therefore this system will accelerate towards the right side. ये पूरा का पूरा system बच्चों right की तरफ accelerate करेगा. ये suppose इसका acceleration mark कर दिया, ये इसका acceleration mark कर दिया, and this will accelerate upwards. So this is the first step to the solution. First step में अभी हम लोगों ने क्या बोला, we will mark, पहला step बच्चों यही रहेगा, We will mark the accelerations. तो अभी हम लोग ने सबसे पहला काम क्या किया बच्चों, इसके accelerations mark कर दिए. This is acceleration A. ये downward direction में accelerate कर रहा है,
ये अब आपको दिखता रहेगा, वी हैव मार्क्ड दिस बाय रेड कलर, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन बच्चों इस ए ब्लॉक का अपवर्ड डायरेक्शन में. सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी डाउनवर्ड, दिस विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट साइड एंड दिस अपवर्ड. ये राइट की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि इफ दिस इज मूविंग डाउनवर्ड एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस थ्रेड, तो ये थ्रेड इसको पुल करके नीचे ले आएगा. सो दिस विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स, सॉरी दिस विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द राइट साइड. और अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी हैव कंप्लीटेड. ये अभी हमने हर प्रॉब्लम में यही कहा है दैट द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज मार्क द एक्सेलरेशंस. अब सेकंड स्टेप बच्चों इसमें क्या है, सेकंड स्टेप इज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स. फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करो. फिर तीसरा स्टेप क्या है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अब देखो हम लोग एक एक करके इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले अभी हम लोग बच्चों कौन सा सी ब्लॉक ले ले रहे हैं. सपोज दिस इज द सी ब्लॉक. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने बोला सबसे पहला एम जी एम इंटू जी वेट, सबसे इजी है ना ड्रॉ करना, वेट एम जी इसमें काम करेगा, वेट एम जी अभी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया. फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको टेंशन इन दी थ्रेड मार्क करना, यू हैव टू मार्क दी टेंशन इन दी थ्रेड. तो उसके लिए अभी हमने एक सिंपल सी ट्रिक बताई है आपको. सपोज जहां पर ये थ्रेड बंधा हुआ है, द 10 केजी ब्लॉक इज टाइड टू द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट. सपोज वी आर नेमिंग दिस एज पॉइंट डी, है ना, तो पॉइंट डी मार्क करो. फिर उसके बाद यहां पर आप अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, away from the point of contact tension mark कर दो, away from the point of contact tension mark कर दो. Suppose इस thread को अभी हम लोगों ने नाम दे दिया, इस thread को, ये वाली इस पूरी thread को अभी हम लोगों ने नाम दे दिया one, इस पूरी thread को नाम दे दिया two. ये नाम देना क्यों जरूरी है, क्योंकि these are two different threads. और नाम अगर आप दे दोगे तो अभी हम लोगों ने बताया था as we have discussed earlier also, जब भी थ्रेड चेंज होगी तो टेंशन चेंज हो जाएगा, है ना बच्चों. तो अब इसमें देखो डी पॉइंट मार्क किया, डी पॉइंट पर टेंशन, डी पॉइंट पर टेंशन मार्क करने का तरीका क्या है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड सिंस दिस इज द थ्रेड वन, देयरफॉर वी विल बी मार्किंग दिस एज टी वन. फ्री बॉडी डायग्राम बन गया. इसका एक्सेलरेशन भी मार्क करो. एक्सेलरेशन इसलिए मार्क करना है क्योंकि अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को देखेंगे, बस ये याद रखना. अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चों अभी हम लोग ये 15 केजी का ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये 15 केजी. अब इसमें बच्चों कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसमें किसी को ये लगेगा कि इसमें एमजी मार्क एमजी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज एक्टिंग. बट सिंस द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, अच्छे से सुनना बच्चों, अच्छे से समझना, क्योंकि कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है, कुछ लोग पूछते भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स के व्हाई आर वी नॉट मार्किंग एमजी इन दिस केस, है ना. तो इसमें अभी हमने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, आपको पहले से पता चल गया दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के नेट फोर्सेस जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन के नेट फोर्सेस जीरो है. नेट फोर्सेस कौन से बच्चों, नीचे की तरफ एमजी आएगा और ये टेबल इसको ऊपर की तरफ सपोर्ट देगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना. सो नीड नॉट draw these forces. तो ये as a rule, as a tip from my side, you can just remember this and write down. आप इसको लिख कर रख लीजिएगा कि whenever the object is moving horizontally, need not mark the vertical forces. तो अभी हम mark भी नहीं करेंगे क्योंकि unnecessary बहुत सारे forces बनेंगे, आपको भी confusion होगा. लेकिन हमने बता दिया, बनाया भी और बता भी दिया, और ये भी बता दिया since the object is not moving in this direction, in vertical direction, therefore vertical forces will cancel or will balance. अब देखो बच्चे इसमें कौन कौन से forces काम कर रहे हैं, तो एक तो ये thread है और एक ये वाली thread है, इस thread के forces आएंगे. अब इस thread के forces mark करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, यहां पर इस point को E mark कर दें और इस point को F mark कर दें. अब E point पर, ये E point mark किया, है ना? अब E point पर tension in the thread, टेंशन इन दी थ्रेड मार्क करने की सिंपल ट्रिक जो अभी हम बार बार कहते हैं, क्या, अवे फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट.
इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ, और इस थ्रेड का नाम क्या है, वन है, तो इसलिए इसको टी वन लिख दिया, खत्म हो गया। अब इसके बाद एफ पॉइंट मार्क करो तो ये एफ पॉइंट आ गया। अब यहां पर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ है ना, और ये कौन सी वाली थ्रेड है, तो इसको टी टू नाम दे दिया। तो दिस इज टी वन, दिस इज टी टू। फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी मार्क करना बच्चों। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसमें राइट की तरफ था, वी हैव मार्क्ड। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम्स। पहला स्टेप एक्सेलरेशन मार्क करना, मेन डायग्राम। दूसरा स्टेप ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम्स। सो वी हैव ड्रॉन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी, नाउ वी हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, नाउ वी विल बी ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक ए। अब इस ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, दिस इज ए ब्लॉक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा बच्चों, इसमें सिंस दिस इज मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए ये वर्टिकल फोर्सेस मार्क करेंगे, और ये कितना आएगा बच्चों, ये 5g आएगा, mg मार्क कर दिया। अब इसमें इस पॉइंट को g नाम दे दिया, ये पॉइंट को अभी हम लोगों ने g नाम दिया। अब क्या करेंगे, टेंशन इन द थ्रेड, सिंस दिस इज द थ्रेड, तो थ्रेड का फोर्स मार्क करना है, और थ्रेड का फोर्स मार्क करने का बहुत सिंपल तरीका क्या, कि आप अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ है ना, ये टी लिख दिया, और कौन सा वाला थ्रेड है, टू है, तो टी टू। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद इसमें, इसमें भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मार्क कर दो, तो ये बच्चों एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, बस। तो फर्स्ट मेन स्टेप है डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सेकेंड मेन स्टेप ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम्स, थर्ड मेन स्टेप राइटिंग डाउन व्हाट द न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम इसमें लिखें तो इसमें कितना आएगा बच्चों, इसका मास 10 केजी है, इसका क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 10 इनटू ए है ना। अब इसमें इसको लिखेंगे तो एफ नेट विल बी इक्वल टू 15 इनटू ए, इसको अगर लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, एफ नेट विल बी इक्वल टू इसका मास कितना, 5, तो 5 इनटू ए मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन्स लॉ है। अब नेट फोर्स, अब आपको देखना है कितना है, नेट फोर्स की वैल्यू रखनी है। अब इसमें एक्सेलरेशन सेम क्यों लिया, तो अभी हम लोगों ने बोला बच्चों ये पूरा सिस्टम जो है एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे ब्लॉक्स इंटरकनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड है, थ्रेड से कनेक्टेड है, ना, और कहीं पर भी आपने रोल ऑन करके थ्रेड को डबल नहीं किया। अभी हम लोग आगे प्रॉब्लम्स भी लेंगे जिसमें एक्सेलरेशन विल ऑल्सो चेंज, है ना, कहीं कहीं पर एक्सेलरेशन चेंज हो जाते हैं, क्यों चेंज होते हैं वो अभी हम लोग आगे प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट एट दिस स्टेज जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, है ना, क्योंकि इधर लग नहीं रहा, इधर नो पॉइंट इन डिस्कसिंग कि एक्सेलरेशन अलग क्यों है। तो यहां पर एक्सेलरेशन बच्चों हमने बोला ये अगर नीचे की तरफ गया, जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये राइट जाएगा, उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। अब इसका नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों, सिंस दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए नेट फोर्स नीचे वाला बड़ा रहेगा। मतलब नेट फोर्स कैसे मिलेगा, दो फोर्सेस काम कर रहे हैं बच्चों, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, हमने बोला ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो कौन सा वाला फोर्स बड़ा रहेगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसमें नीचे वाला फोर्स बड़ा रहेगा, और नीचे वाला फोर्स बड़ा रहेगा मतलब 10g - t, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10g - t, 10g - t इज इक्वल टू 10a, ये 10g - t 1 है, सॉरी आई एम सॉरी, 10g - t 1 इज इक्वल टू 10 into a, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको देखो बच्चों, इस वाले को, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें सिंस दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, देयरफॉर व्हाट कैन वी से, द राइट फोर्स विल बी ग्रेटर, तो नेट फोर्स कैसे मिलेगा बच्चों, नेट फोर्स यह आ जाएगा t1 - t2। किसी के मन में यह आ सकता है t2 - t1 क्यों नहीं, क्योंकि अभी हमने बोला इसके ऊपर एक फोर्स राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, और ये राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट वाला फोर्स बड़ा है। मान लीजिए ये 20 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, 20 right 5 left, दोनों को माइनस कर लो, 15 आ जाएगा, तो राइट की तरफ t1, लेफ्ट की तरफ t2, और राइट की तरफ एक्सेलरेशन है, इसलिए t1 - t2 इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 15 है,
एक सोल्यूशन ए है, तो बच्चों इसको अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन इस वाले को देखो, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें देखना, इसमें ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसलिए ऊपर वाला फोर्स बड़ा रहेगा, तो नेट फोर्स इसका कितना आ जाएगा, T2 - 5G, ऊपर वाला फोर्स T2 - 5G विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 5 into a, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों तो ये तीसरी, अब क्या बोलेंगे देखो, अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें T1 और T2 और क्या चीज T1 T2 और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो क्या आएगा, 10G माइनस T1 इज इक्वल टू 10A, और इधर कितना आएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 15A, और इधर कितना आएगा, T2 - 5G इज इक्वल टू 5A। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, T2 और T2 कैंसिल होगा, T1 और T1 कैंसिल होगा, 10G माइनस 5G ये 5G आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 और 15 25, 25 एंड 5 30, ये तो A की वैल्यू 5G/30 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, G/6, तो एक सोल्यूशन आ गया बच्चों, है ना। अब ये गॉट दी एक्सेलरेशन, अब इसके बाद T1 T2 निकालना है, तो कैसे रखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस, सब्स्टिट्यूट A इन फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा, 10G माइनस T1 इज इक्वल 10 into A, 10G/6, तो T1 की वैल्यू 10G माइनस 10G/6, तो कितना आ जाएगा, ये 60G माइनस 10G/6 यानी 50G/6 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज रखने पर जो मिला है 10G - 10A, ठीक, परफेक्टली ओके, 10G - 10G/6, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये कितना आ जाएगा, 25G/3, ये T1 की वैल्यू आ गई, ठीक। अब T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, T2 की वैल्यू निकालने के लिए T1 - T2 = 15A, या तो ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं, कितना आएगा बच्चों इसमें, इधर कितना आएगा, T2 विल बी इक्वल टू 5A + 5G, अब A की वैल्यू कितनी है, G/6, तो ये 5G/6 प्लस 5G ऐसा कुछ है, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये, 35G/6, सो दिस इज द आंसर। तो इसमें आंसर्स क्या आ गए बच्चों, देखो एक्सेलरेशन कितना आया, G/6, T1 कितना आया, T1 की वैल्यू 25G/3, और T2 कितना आया, तो T2 की वैल्यू 35G/6, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए अभी हम लोग इसमें ट्रिक का, जो अभी हमने ट्रिक आपको बताई थी वो यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं देखो ध्यान से, जस्ट ट्राई टू सी दी अनबैलेंस मास। इसमें अभी हम लोग कहते हैं अनबैलेंस मास का कॉन्सेप्ट क्या, अनबैलेंस फोर्स का सॉरी, यहां पर ये 15 kg है, अगर यहां पर ये 5 kg होता और यहां पर ये भी 5 kg होता, तो देन विल द सिस्टम मूव, दोनों तरफ 5 kg 5 kg होता तो क्या ये सिस्टम मूव करता, तो अभी हम लोग बोलेंगे सिस्टम मूव नहीं करेगा, है ना, क्यों, बिकॉज हियर द फोर्स विच इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स इज 5G, हियर ऑल्सो द फोर्स विच इज पुलिंग दिस इज 5G, 5 into g, मास इंटू एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां पर द फोर्स विच इज कॉजिंग मोशन इज दिस एक्स्ट्रा 5 kg ऑन द राइट साइड,
जो एक्स्ट्रा 5 kg राइट साइड में वो मोशन कॉज कर रहा है। तो अब हम लोग इसमें कैसा बोलते हैं बच्चों, इसको रेड कलर से लिख दे रहे क्योंकि ट्रिक है। फोर्स कॉजिंग मोशन, ये ट्रिक बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक है, नॉट टू बी यूज इन एग्जाम। फोर्स कॉजिंग मोशन, ये कितना आ जाएगा, द एक्स्ट्रा 5 kg ऑन द राइट साइड, द एक्स्ट्रा 5 kg ऑन द राइट साइड इज कॉजिंग द मोशन। अब एक्स्ट्रा 5 kg मतलब फोर्स कॉजिंग मोशन विल बी 5g। अब फोर्स पता चल गया, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब ये जो एक्स्ट्रा 5 kg है पूरे सिस्टम को चला रहा है, मतलब 5g डिवाइडेड बाय मास कितना, टोटल 5 + 15 = 20 एंड 20 + 10 = 30। तो ये देखो आंसर आ गया, एक्सेलरेशन इज व्हाट, g/6 है ना। तो दिस कैन बी यूज वेरी इफेक्टिवली इन मेनी प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, सभी में नहीं अप्लाई होगा, कोशिश अभी हम लोग यही करेंगे कुछ मतलब जहां तक पॉसिबल हो अभी हम लोग इसको अप्लाई कर पाए। तो वी हैव कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन इन नियरली मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन की है ना। तो ये बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखना, अब क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा टाइप ऑफ प्रॉब्लम चेंज कर रहे हैं अभी हम लोग है ना। वंस अगेन दिस इज अ पुली है ना, हियर यू आर हैविंग अ पुली एंड हियर यू आर हैविंग व्हाट, 20 kg मास, दिस इज 20 kg मास। अगर इसको आप यहीं पर छोड़ दोगे तो क्या होगा, दिस विल मूव डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन क्या ये नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है अभी हम लोगों को नहीं पता है ना। अब इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, दिस इज कनेक्टेड टू अ थ्रेड एंड हियर दिस इज कनेक्टेड टू 5 kg है ना। वी डोंट नो अबाउट द टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम है ना, 30 degrees, सपोज दिस इज 90 और ये 60 degrees। तो इसमें फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन, ठीक है, दिस इज द डायग्राम। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये याद रखना, अभी तक हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है That no friction is present. मतलब अगर आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया, if nothing is given, no data is given in the problem related to friction, that means friction is absent. Simple concept. अब हम लोग इसमें ये बोलेंगे, देखना, just try to understand this thing. ये concept बच्चों अच्छे से समझना, इसमें ये concept अभी हम लोग बहुत सारे problems में use करेंगे आगे, है ना, बहुत सारी जगह यूज होगा, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में भी, 11th में भी, 12th में भी ये यूज होने वाला है। अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं, अगर कोई ब्लॉक बच्चों अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, तो इसमें जो फोर्स इसको नीचे की तरफ ले जाता है, जो इसमें नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा वो mg sin θ होता है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना। हमने क्या बोला बच्चों, समझ में आया, हमने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है
तो उसको जो फोर्स नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा वो कितना होगा, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ काम करेगा, है ना। अब सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग याद तो रख सकते हैं कुछ चीजों को, लेकिन रीजन मालूम होना चाहिए। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग दैट एम जी साइन थीटा, इसका रीजन अभी हम लोग एक बार क्लियर कर दे रहे हैं और बार बार फिर इस फैक्ट को अभी हम लोग यूज करेंगे। वी विल नॉट डिस्कस द रीजन एम जी साइन थीटा एवरी टाइम, है ना। अब इसमें देखना बच्चों, इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एंड दिस एंगल इज थीटा, तो इसमें जो फोर्स काम करेगा बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में, जो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगा वो कितना आ जाएगा, एम जी, ये एम जी आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे अभी हम लोग इसमें, यहां पर अब हम लोग एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये बच्चों वाई एक्सेस ड्रॉ कर ली और ये अभी हम लोगों ने एक्स एक्सेस ड्रॉ कर ली, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अब देखना इसमें अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 पे होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमारे ख्याल से, ये देखो ये ऐसा कुछ डायग्राम है, ये मान लीजिए 60 डिग्रीज है, ये 90 है, तो अभी हमने क्या बोला, ये 60 है, 90 है, तो ये 30 आ जाएगा, दिस एंगल विल बी व्हाट 30 डिग्रीज, मतलब 90 माइनस 60, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो यही चीज अभी हम लोग लिखा, और अगर ये 30 है और यहां पर अभी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 30 है तो ये फिर से 60 आ जाएगा। अब इसको हम बहुत एक सिंपल तरीके से इसको बोलते हैं, जैसे अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 डिग्रीज, ये बच्चों इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला थीटा आ जाएगा, ये एंगल कितना आने वाला, थीटा। अब इसको अच्छे से समझना, हम लोग एक लाइन अप जो बोल रहे हैं वो उसको जैसा भी हम बोल रहे हैं वैसा याद रखने की कोशिश करना। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, ये दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइंस रहेंगी उनके बीच में भी एंगल थीटा आएगा। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी वाली लाइन है, इस वाले के परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर बच्चों ये वाली लाइन है, और इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ये वर्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में ये डॉट और ये डबल लाइन, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये डॉट और ये डबल लाइन बनी हो, इनके बीच में भी एंगल थीटा आएगा, बस ये समझ लेना। ये सिंपल ज्योमेट्री बोली बच्चों, इसमें फिजिक्स नहीं है, यू कैन जस्ट हैव अ ट्राई ऑन योर ओन, है ना। मान लीजिए कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे लगते हैं कि यार ज्योमेट्री हमें फिर से देखनी है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा आएगा, और चूंकि ये एंगल 90 डिग्रीज ड्रॉ किया है, ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये फिर से थीटा आ जाएगा, इसमें ये 90 है, ये 60 है, ये 30, तो ये फिर से 60, मतलब ये 60 था, ये भी 60, ये थीटा है, तो ये भी थीटा, बस। अब क्या होगा बच्चों देखना ध्यान से, अब हम लोग इसमें ये बोलेंगे इसके दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे, किसके, इसके दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे इसके एम जी के, एम जी का एक कॉम्पोनेंट आएगा ये वाला एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो बच्चों यही अभी हम बोल रहे थे कि नीचे की तरफ जो फोर्स इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो कितना है, एम जी साइन थीटा। इसका क्या होगा, एम जी कॉस थीटा का, तो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा कौन सा वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। हम लोग नॉर्मल रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें नीचे की तरफ एम जी लग रहा है और फिर हाथ ने एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोर्ट दिया और इस सपोर्ट को अभी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये mg cos थीटा और इसका नॉर्मल रिएक्शन n है, तो n और mg cos थीटा तो बैलेंस हो जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ कौन चला रहा है, mg sin थीटा, बस ये याद रखना। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम कोशिश करेंगे अगले एक प्रॉब्लम में एक बार और बता दें, है ना, सो दैट द कॉन्सेप्ट गेट्स वेरी क्लियर, है ना। ये अभी हमने बता दिया कि भाई अगर mg है, अगर कोई मास mg है, कोई सारी वेट mg है, तो उसका एक कंपोनेंट बच्चों ये वाला, सिंस ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये mg cos थीटा आ जाएगा और ये वाला mg sin थीटा,
तो अभी हम लोग बोलेंगे इसको जो नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, जो नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है वो एंटी साइन थीटा है। ठीक, अब इसका यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में, है ना। वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें बच्चों ये इसका आप चाहो अगर जरूरत है यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन रीड्रॉ इट योरसेल्फ, है ना। अब देखो इसको अभी हम लोग रब करना है। तो अब हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट से को अभी हमने इलाबोरेट किया, बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, देखना इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये 20G है, ये क्या है बच्चों 20G, और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, देखो चूंकि इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बच्चों, या तो ये नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, मोशन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन की फोर्सेस मार कर लो। तो अभी हमने आपको बताया ही है, हम लोगों ने ये बोला कि ये mg है, mg का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला पार्ट कितना होता है mg साइन थीटा, है ना। तो बच्चों अभी हमने ये मार कर दिया, ये नीचे की तरफ कितना आ जाएगा m इंटू जी इंटू साइन थीटा, यानी ये कितना आ जाएगा मास कितना है 20 इंटू जी है इंटू साइन थीटा यानी साइन 30, यानी ये कितना आ जाएगा नीचे की तरफ फोर्स बच्चों 20 इंटू जी इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 10G आ जाएगा। इधर नीचे की तरफ 10G, नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है बच्चों कितना आ गया वो 10G, ये लो फिर से बना दिया, ये 20 kg है और इसका नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो 10G। अब इसमें देखना यहां पर ए पॉइंट मार्क कर दे रहे हैं और इधर थ्रेड का टेंशन मार्क कर दे, तो थ्रेड का टेंशन कितना आ जाएगा बच्चों टी ए। अब इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो अभी हम पहले मार्क कर ही नहीं सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, वी आर नॉट नोइंग नीचे की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है, इधर नीचे 10G काम कर रहा है, इधर नीचे देखो इस वाले को इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों क्या आ जाएगा 5G नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। और ए पॉइंट पर जैसे अभी हमने टेंशन मार्क किया था अवे फ्रॉम द पॉइंट ए, ऐसे ही अभी हम लोग यहां पर मार्क कर सकते हैं, सपोज ये पॉइंट बी है तो बी पॉइंट से अवे अभी हम लोग इसको टी मार्क कर दें। टेंशन का डायरेक्शन अभी हमने कैसा बोला अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अब नीचे की तरफ 5G काम कर रहा है, इधर नीचे की तरफ 10G काम कर रहा है, तो कौन सा वाला डोमिनेट करेगा मोशन को, तो बच्चों ये 10G जो है इसको नीचे की तरफ ले जाएगा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, ये नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो 10G कैसे काम करेगा mg साइन थीटा, मास कितना है 20, जी लिखा हुआ है, साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, है ना, थीटा की वैल्यू 30, साइन 30, सॉल्व करने पर 10G, तो नीचे की तरफ कितना काम कर रहा है 10G। अब ये पता चल गया बच्चों इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें बच्चों ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें हम लोग डायरेक्टली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं मार्क कर पाए, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मार्क करने के लिए आपको थोड़े से कुछ कैलकुलेशंस करने पड़े, है ना। और अभी हमें ये पता चला नीचे की तरफ कितना फोर्स पुल कर रहा है 10G और इसको नीचे की तरफ कितना पुल कर रहा है 5G, है ना, तो कौन सा डोमिनेट करेगा बच्चों इस सिस्टम में, तो अभी हम लोग बोलेंगे ये 10G डोमिनेट करेगा। अब इसका नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों, इसका नेट फोर्स आ जाएगा 10G माइनस टी, 10G बड़ा है टी छोटा है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 20 है, एक्सेलरेशन ए है। अब उसमें देखो बी ब्लॉक में, उसमें क्या हो रहा है बच्चों, इस वाले ब्लॉक में इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, है ना, तो कौन सा वाला फोर्स बड़ा रहेगा, ऊपर वाला फोर्स बड़ा रहेगा, मतलब नेट फोर्स कितना जाएगा टी, ऊपर वाला फोर्स टी, नीचे वाला 5G, तो टी माइनस 5G इज इक्वल टू 5 इंटू ए। बच्चों ये दो इक्वेशंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है। क्या आ जाएगा? 10g-t। चिंता मत करना बच्चों, पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा समझने में हो सकता है शायद दिक्कत पड़े, लगे आप दो बार इसको देख लेना, खुद सॉल्व करना, और बहुत ऑसम क्वेश्चंस अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं, और तब आपको ये प्रॉब्लम जो है बहुत इजी लगेगा। टी माइनस फाइव जी इज इक्वल टू फाइव ए, ये टी और टी कैंसिल होगा तो ये 5g आ जाएगा, इज इक्वल टू 25a, तो ए की वैल्यू जी बाय फाइव आ जाएगी, और ए की वैल्यू बच्चों जी बाय फाइव अगर आ गई तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, ए की वैल्यू जी बाय फाइव। अब टी निकालना, तो टी कैसे मिलेगा, टी कैसे मिलेगा बच्चों, टी विल बी इक्वल टू 5a, ए की वैल्यू जी बाय फाइव प्लस 5g, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6g, तो टी की वैल्यू 6g आ जाएगी, यानी 60 न्यूटन, है ना, तो टेंशन 60 न्यूटन आ गया, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10/5 यानी 2 m/s हुए। तो इसमें क्या किया है बच्चों, ये याद रखना, देखो हम रिपीट कर दें, हमने बोला नीचे की तरफ mg sin थीटा काम करेगा, और टेंशन कैसा काम करेगा, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये टेंशन का डायरेक्शन, और इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पर mg sin थीटा, सॉल्व करने पर 10g आया, तो इसको नीचे को कितना खींच रहा है 10g, और इधर नीचे कितना पुल कर रहा है 5g, तो कहने का मतलब यह है ये वाला फोर्स बड़ा है इसलिए ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और अगर ये इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना। बस बच्चों अब इसके बाद 10g और ये टी, और इधर क्या है ये टी और ये 5g, अब हम लोग इसमें ये बोलेंगे टी विल बी ग्रेटर क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो टी माइनस 5g इज इक्वल टू 5a, यहां पर ये नीचे जा रहा है इसलिए 10g ग्रेटर रहेगा, 10g माइनस टी इज इक्वल टू 20 into a, इसका मास 20 है, ये याद रखना। अब इन दोनों इक्वेशंस को अभी हमने यहां पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद मेनी मोर सच प्रॉब्लम्स ऑन द नेक्स्ट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।